Hello friends, and happy Raksha Bandhan to all of you. We are on the way of Maheshwar. हम आज महेश्वर जा रहे हैं और ये आप साइड में व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा है. पहाड़ों के बीच में से रोड गई है. हम घर से बना के लाए हैं अदरक इलायची वाली. और आस पास भी देखिए, सिर्फ खेत ही खेत है चारों तरफ. इधर बाजरे के खेत हैं और हम कहीं भी जाते हैं वैसे ही इंजॉय करते हैं. गाड़ी किनारे लगा लेते हैं, घर से चाय लाते हैं. अभी महेश्वर जाएंगे तो महेश्वर का भी आप लोग को व्यू दिखाएंगे. मस्त एंजॉय करते हुए हम आगे चल रहे हैं. गाना बज रहा है, कह दूँ तुम्हें क्या चुप रहूँ. गाना बजा नहीं सकती मैं क्योंकि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा. बाहर का वेदर बहुत ही प्यारा था तो हमने अपने गाड़ी का अपना रूफ टॉप खोल लिया और एंजॉय कर रहे थे हम बाहर का वेदर भी. तो अब हम घाट की तरफ जा रहे हैं और आप ये मैं दिखाऊंगी आगे की वीडियो में कि ये बिल्कुल भी बनारस की गलियों जैसा है. सो ये हैंडलूम साड़ीज़ है और हम अभी जस्ट जा ही रहे हैं घाट के तरफ. मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल ही बनारस की घाट जैसा है. मुझे अपने बनारस की याद आ गई. बहुत ही सुंदर जगह है और जगह जगह साड़ीज की शॉप्स हैं, हैंडलूम साड़ीज आउट. हम जस्ट एंटर करने वाले हैं थ्रू द गेट. सो आई विल जस्ट शो यू कि गेट का एंट्रेंस कैसा है महेश्वर का. वी आर जस्ट एंटरिंग थ्रू द गेट. बहुत ही सुंदर सा गेट है, आप देख सकते होंगे. आज ट्विन कर रहे हैं साथ में, सेम सेम. और अब हम आ चुके हैं महेश्वर की घाट. ये बनारस जैसा ही है. मुझे बिल्कुल हमें बनारस की याद आ गई है यहाँ पे आके. सो ब्यूटीफुल. और बहुत टाइम हो गया, 8 साल बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं. तो ये हमारी पूरी फैमिली. भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ही बनारस जैसा फील आता है यहाँ पे आके, मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो हियर यू कैन सी दैट कि ये बिल्कुल ही बनारस जैसा ही घाट है.
ये नीचे से पूरा व्यू आप देख सकते, कितना सुंदर लग रहा है। मुझे ऐसे आर्किटेक्चर्स पर्सनली बहुत पसंद है। और ये नर्मदा जी हैं, नर्मदा मैया, हम इनके तट पे हैं। ये आप देख सकते हैं, अब हम बोटिंग करने भी जाएंगे। और ये है पूरा घाट। ये शौर्य हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। शौर्य शौर्य को पर्सनली बोटिंग बहुत पसंद है, सबको ही पसंद होती है बोटिंग तो। ये नर्मदा रिवर में शिव जी का मंदिर भी था, तो हमने शिव जी के भी दर्शन किए। बहुत ही सुंदर लग रहा था नर्मदा रिवर में शिव जी का मंदिर बीचों बीच स्थित था। आप ये अंदर देख सकते हैं, कुछ पुजारी अंदर पूजा भी कर रहे थे। मुझे लगता है यहाँ इस मंदिर में वो तैर के आते होंगे। हम बोट पे ही पोजेस मारने लगे कि वीडियोस अच्छी आए हमारी। और अब हम वापस आ गए बोटिंग करके, घाट के पास आ गए अब हम। लोग सब पानी में, नर्मदा के पानी में नहा रहे थे, मस्त एंजॉय कर रहे थे सब लोग। उनको देख के हमें भी नहाने की इच्छा हुई, लेकिन हमारे पास कपड़े नहीं थे तो हमने ये आइडिया स्किप किया। बहुत ही सुंदर लग रहा था बोट पे से, दूर से भी घाट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अब हम ये अंदर शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। ये मंदिर भी रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने बनाया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही बड़ा मंदिर था। अब हम अंदर जा रहे हैं, आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखता है। बाहर से तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये रहे हमारे शिव जी, शिव जी का मंदिर है ये। जो अहिल्याबाई सीरियल देखते हैं, आज हम उनके नेचुरल पैलेस पे हैं माहेश्वर में। और घाट हमने घूम लिया, अब हम तालस की तरफ जा रहे हैं। तालस उधर है, आप देख सकते हैं ये मंदिर उनका बनवाया है और सामने उनका पैलेस शुरू हो रहा है जो लकड़ी का है। जाओगे कैसे अंदर? पैलेस अब हम शुरू कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं अहिल्याबाई की डोली है, बहुत ही सुंदर सी। मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। एंटर रानी अहिल्याबाई के किले में, तो ये आप व्यू देख सकते हैं। ये सोनी टीवी पे जो आप पूरा व्यू देखते हैं अहिल्याबाई का पैलेस।
ये अब आप रानी अहिल्याबाई जी की मूर्ति देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर तरीके से उसे दिखलाया गया था। एक किले का व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। और आप भी ज़रूर आएं, इंडिया के स्कल्पचर और टेक्स आर्किटेक्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए। कितने सिंपल वे में रहती थी और इतने बड़े बड़े। हाँ, हैंडलूम की साड़ियाँ बनती हैं महेश्वरी सिल्क, सो आप ये देख सकते हैं। दिखाते हैं अब हम आपको, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा रूप आप देख सकते हैं, हम कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट कुछ खाना खाने, सो चलते हैं। ये बड़ी ही हमें क्यूट सी फैमिली दिखी, एक बाइक पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं, बहुत गलत है लेकिन क्या करें, इंडिया है। ब्यूटीफुल सनसेट के साथ यहीं हमारा व्लॉग ख़त्म होता है, सो बाय एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।